हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश के टॉप लॉ कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, जहां से आप बीए, एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम कोर्सेज कर सकते हैं। सभी कॉलेजेस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके सभी कॉलेजेस की डिटेल में इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लॉ कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स। सब्सक्राइब vidya.in। टॉप 10 लॉ कॉलेज इन उत्तर प्रदेश में आप सबसे पहले नंबर 1 पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नैक एग्रेड यूनिवर्सिटी है और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 11 है। 1920 का एस्टैब्लिशमेंट है। यहां से आप बीएलएलबी एंड एलएलएम कोर्सेज कर सकते हैं। बीएलएलबी की फीस अप्रॉक्स 12,000 और एलएलएम की फीस अप्रॉक्स 11,000 की है। इसके साथ साथ आप यहां से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एंड लॉ ऑफ क्राइम्स में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एंड कंपनी लॉ में कर सकते हैं, लेबर लॉ में कर सकते हैं एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कर सकते हैं, जिसकी फीस अप्रॉक्स 17,000 की है। यहां पर एडमिशन के लिए आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसी की रैंक के बेसिस पर ही आपको यहां पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यहां से लॉ कोर्सेज करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 6-12 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। टॉप लॉ कॉलेज इन उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 15 है। यहां से आप बीएलएलबी एंड एलएलएम कोर्सेज कर सकते हैं। यहां की बीएलएलबी की फीस 42,000 और एलएलएम की फीस अप्रॉक्स 79,000 की है। अगर आप यहां से बीएलएलबी कोर्स करना चाहते हैं तो आपके 12th में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ आपको क्लैट में एक अच्छी रैंक लानी होती है, उसी के बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यहां से लॉ कोर्सेज करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 5-10 लाख पर एनम का प्लेसमेंट आसानी से मिल सकता है। नेक्स्ट आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं लॉ कोर्सेज के लिए। यूजीसी अप्रूव्ड, नैक अप्रूव्ड, 1916 का एस्टैब्लिशमेंट है और एनआईआरएफ ने इसको 3rd बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की रैंक दी है। यहां से आप बीएलएलबी, एलएलबी एंड एलएलएम कोर्सेज कर सकते हैं। यहां की बीएलएलबी की फीस बहुत ही नॉमिनल है और उसमें एडमिशन के लिए आपके 12th में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, आपको उसमें भी अच्छी रैंक लानी होती है। आप क्लैट में एक अच्छी रैंक लाके क्लैट का एग्जाम देके भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप यहां से एलएलबी करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसमें एक अच्छी रैंक लानी होती है। अगर आप यहां से लॉ कोर्सेज कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से 5-7 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। टॉप लॉ कॉलेज इन उत्तर प्रदेश में आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज लखनऊ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, 2004 का एस्टैब्लिशमेंट है। यहां से आप बीएलएलबी एंड एलएलबी कोर्सेज कर सकते हैं। यहां की बीएलएलबी की फीस 33,000 और एलएलबी की फीस अप्रॉक्स 12,000 है। यहां पर भी एडमिशन आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे मिलता है। यहां से भी लॉ कोर्सेज करने के बाद आपको आसानी से 5-6 लाख पर एनएम का प्लेसमेंट मिल सकता है। लॉ कोर्सेज के लिए आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूजीसी अप्रूव्ड, एआईसीटीई अप्रूव्ड, 1867 का एस्टैब्लिशमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसकी एनआईएफ रैंकिंग 13 है। यहां से आप बीएलएलबी एंड एलएलबी कोर्सेज कर सकते हैं। बीएलएलबी एंड एलएलबी कोर्स की फीस 52,000 पर एनम की है। यहां पर भी एडमिशन के लिए आपके 12th में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भी देना होता है और उसमें अच्छी रैंक लानी होती है। इसी एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर आपको इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। टॉप लॉ कॉलेज इन उत्तर प्रदेश में आप एमिटी लॉ स्कूल नोएडा को भी चेक कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, 1999 का एस्टैब्लिशमेंट है। यहां से आप बीएलएलबी कोर्स कर सकते हैं, जिसकी टोटल फीस अप्रॉक्स 13,92,000 की है। यहां पर एडमिशन के लिए आपके 12th में 60% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ आपको आईपी यूनिवर्सिटी या फिर एमिटी यूनिवर्सिटी का एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसमें एक अच्छी रैंक लानी होती है। यहां से बीएलएलबी कोर्स करके आपको बहुत आसानी से 4-6 लाख पर एनएम का प्लेसमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट आप लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा को भी चेक कर सकते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलेटेड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, 2003 का एस्टैब्लिशमेंट है। यहां से आप बीएलएलबी एंड एलएलबी कोर्सेज कर सकते हैं। यहां की बीएलएलबी की फीस 1,80,000 और एलएलबी की फीस
अप्रॉक्स 1 लाख की है। बीएलएलबी कोर्स में एडमिशन के लिए आपके 12th में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ लॉयड लॉ कॉलेज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, आपको उसमें भी एक अच्छी रैंक लानी होती है। इसी तरह से अगर आप एलएलबी में एडमिशन चाहते हैं तो भी आपको लॉयड लॉ कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसमें एक अच्छी रैंक लानी होती है। अगर आप यहां से लॉ कोर्सेज कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 4 to 5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। लॉ कोर्सेज के लिए आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूजीसी अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नैक अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, 1998 का एस्टैब्लिशमेंट है। यहां से आप बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एलएलबी एंड एलएलएम कोर्सेज कर सकते हैं। यहां की बीएलएलबी की फीस 85,000, बीबीएलएलबी की फीस 65,000, एलएलबी की फीस 55,000 और एलएलएम की फीस 70,000 पर एनम की है। इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसमें एक अच्छी रैंक लानी होती है। अगर आप यहां से लॉ कोर्सेज कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 3 to 5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट आप शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है, 2009 का एस्टैब्लिशमेंट है और नैक बी ग्रेड यूनिवर्सिटी है। यहां से आप बीएलएलबी, बीबीएलएलबी एंड एलएलएम कोर्सेज कर सकते हैं। यहां की बीएलएलबी की फीस एंड बीबीएलएलबी की फीस 1,66,000 पर एनम की है और यहां की एलएलएम की टोटल फीस 1,50,000 की है। अगर आप यहां से बीए या फिर बीबीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपके 12th में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ आपको शारदा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है और उसमें एक अच्छी रैंक लानी होती है। यहां से अगर आप लॉ कोर्सेज कर लेते हैं, बीए या फिर बीबीएलएलबी कर लेते हैं तो आपको अप्रॉक्स 3 to 5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल सकता है। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको उत्तर प्रदेश के लॉ कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी और आप अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज जरूर सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर कॉलेज की डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आए। और अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।